जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। ये है Mi True Wireless Earphone और इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है Mi Air, लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं देता ये। तो इसको मैं पिछले कई दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो यूज़ करने के बाद मैंने वापस इसको बॉक्स में डाल दिया ताकि आपको दिखा सकूँ कि बॉक्स में इसकी पैकिंग किस तरीके से हुई है। तो कुछ इस तरीके से बॉक्स मिल जाता है। इसको ओपन करते ही इसमें सबसे पहले एक टाइप सी केबल मिलता है, मतलब इसमें आपको टाइप सी कनेक्टिविटी मिल जाती है। एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसमें चाइनीज़ के साथ आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिल जाएगा और इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरीके से काम करता है या जो भी फीचर्स हैं। और अलग अलग साइज़ के पेयर ऑफ टिप्स मिल जाएंगे जिसके कान ऐसे छोटे या बड़े हों उनके लिए। और यहाँ आपको मिल जाता है मेन वायरलेस ईयरफोन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चार्जिंग बॉक्स मिल जाएगा जो खुद चार्ज होता है और आपके ईयरफोन को भी चार्ज करेगा। सिंपल अपने ईयरफोन को आपको इस चार्जिंग बॉक्स में डालना और चार्जिंग हो जाएगी स्टार्ट। कनेक्ट करना एकदम सिंपल है। चार्जिंग बॉक्स पे आपको एक अलग से यहाँ पे एक बटन दे रखा है, उसको 2 सेकंड के आसपास प्रेस करना है तो एक नोटिफिकेशन लाइट आपको दिखाई देगा और यही नोटिफिकेशन लाइट आपको चार्जिंग टाइम में भी काम आएगा, मतलब जब ब्लिंक करना बंद कर देगा तो आपका ये जो चार्जिंग बॉक्स है फुल चार्ज हो जाएगा। और आपको सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर देना और ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और आपको बैटरी परसेंटेज भी दिखाएगा कि आपके ईयरफोन में कितनी बैटरी बची हुई है। उसके बाद सिंपल है, जैसे इसको आप ओपन करेंगे आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए जिससे भी आपने लास्ट टाइम कनेक्ट किया था। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है सिंपली। और अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो ये आपका नॉइज़ कैंसिलेशन को सपोर्ट करता है। इसमें आपको नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाता है जिसको ऐसे अगर आप 3 सेकंड तक ऐसे प्रेस करके रखते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, साउंड भी करता है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये एक्टिवेट हो चुका है। और साथ में इसमें आपको एक अलग से सेंसर मिल जाता है। तो ये क्या काम करता है, जैसे आप कान से बाहर निकालते हैं इसको तो आपका जो म्यूज़िक है या वीडियो है वो रुक जाएगा, और जैसे इसको आप वापस कान में पहनते हैं तो दोबारा आपका जो म्यूज़िक या वीडियो है वो प्ले नहीं होता। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, सेंसर लगाया था तो पूरा काम लेना चाहिए था, उससे आपको डबल टैप करना पड़ेगा तो आपका जो म्यूज़िक या वीडियो प्ले होगा। और टैप करने के लिए आपको यहाँ पे टच सिस्टम दे रखा, मतलब आपको यहाँ टच करके टैप करके आपको क्या करना है, इसको जो भी फीचर्स हैं उसको यूज़ करना है। राइट साइड अगर आप एक बार टैप करते हैं तो आपका जो म्यूज़िक है वो स्टॉप हो जाएगा और अगर आप डबल टैप करते हैं इसको तो आपका जो म्यूज़िक है वो प्ले हो जाएगा, और अगर आप लोग लेफ्ट साइड आप लोग डबल टैप करते हैं तो ये क्या करता है, गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर देगा। और आप चाहें तो इसको अलग अलग फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों ईयरफोन को अलग अलग, यानी कि एक फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद सिंपल आपको एक को यूज़ करना, दोबारा इसको क्लोज कर देना और जैसे आपको बताया कनेक्ट करने का प्रोसीजर, दोबारा इसको ऑन करके दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके दूसरे फ़ोन में एक काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप मतलब एक एक करके 2 फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अगर भाई भाई हो तो झगड़ा नहीं होगा आपस में। तो साउंड क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो आपको मैं बता सकता हूँ जो ये Mi Air डॉट्स आता है इससे बेटर है, इस वाले से बेटर है। और दोनों का साइज़ टोटली अलग है, आप देख सकते हैं दोनों का डिज़ाइन अलग है, साइज़ अलग है। और एक और चीज़ है, ये ना थोड़ा एप्पल की कॉपी लगता है आपका जो ये Mi True Wireless ईयरफोन है। यहाँ पर इसका डिज़ाइन भी एप्पल की तरह दे रखा है, सेम तो नहीं बट उसी से कॉपी लगता है। और अगर इसको आप कान में पहनते हैं तो थोड़ा इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लगता है देखने में, ये चीज़ आपको मतलब दूर से दिख जाएगा कि आपने ये पहना हुआ है। तो अगर हम लोग साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा मिलता है, आपको बेस जो मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। 7mm का ड्राइवर है, उसके हिसाब से आपको काफ़ी बेटर मिल जाएगा इससे जो महंगे आते हैं। अभी एप्पल की कॉपी है तो एप्पल जैसा साउंड तो नहीं देने वाला, बट हाँ Mi Air डॉट्स का साउंड काफ़ी अच्छा है। इसको मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा था, उससे थोड़ा मुझे बेटर लगा। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, अगर इस एक साइड में इसको लगाता हूँ और एक साइड ईजिली फिट हो जाता है कान में, काफ़ी आसान है इसको लगाना, और एक साइड अगर मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको अगर मैं ये बताऊँ कि जैसे मन में होता है ना कि ऐसे चलते फिरते गिर जाएगा क्या, दोनों को अच्छे से लगा दिया, अगर मैं ऐसे पागलों की तरह सिर हिलाऊँ देखते कौन सा बाहर आता है। ये वाला बाहर आया, मतलब इतनी जल्दी नहीं आएगा लेकिन ये वाला पहले बाहर आ जाएगा, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर आप रनिंग करते हैं थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये आसानी से फिट हो जाता है, इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है, कुछ ये फ़र्क देखने को मिलता है। और अगर बात करें कि बात करते रहें कोई दिक्कत होती है, तो मैंने फ़ोन पे काफ़ी बात किया, मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, मतलब जो आपकी आवाज़ आती है और जाती है क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए इसमें जो आपको ब्लूटूथ वर्जन मिलता है वो मिलता है ब्लूटूथ 4.2, मतलब आपको जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पबजी यानी कि गेमिंग में इसका यूज़ करेंगे, गेमिंग के लिए तो नहीं है ये, म्यूज़िक प्लस ऐसे फ़ोन पर बात करने के लिए बिल्कुल है। और ये जो आपका बॉक्स है ये 1 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है, उसके बाद चार्ज होने के बाद आपके ईयरफोन को 3 बार चार्ज कर सकता है।
और बात करें ईयरफोन का आउटपुट कितना है, तो एक बार चार्ज होने के बाद ये आपको अगर आप 60-70% पे म्यूजिक सुनते हैं तो 3 घंटे के आसपास आपको आउटपुट मिल जाता है, यानी कि 3 बार चार्ज कर सकते हैं आप टोटली। तो इंडिया में तो आएगा तो इसका प्राइस आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, 4000 के आसपास। बट अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बैंगुड का, वहाँ पे आप क्लिक करके थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप चेक जरूर करना, अगर आप खरीदना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये था इसका टोटल रिव्यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।